नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 135वीं जयंती है। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया, याद किया और जो उनका देश में जो हमारा योगदान रहा, क्योंकि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उसके बाद सर्वप्रथम वो प्रधानमंत्री बने और देश को सही दिशा की जरूरत थी उस समय, उस सही दिशा की ओर देश को ले गए उनके उस कार्यकाल में। औद्योगिक क्रांति का जनक कहा जाता है उन्होंने, क्योंकि उस समय सख्त जरूरत थी भारत को रोजगार की, उद्योगों की, इन सब चीज़ों की जरूरत थी। तो उनको उनका जो विजन था देखने का वो दूरगामी था और उसी औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा देश इस ओर है कि 2023 में आज खुशहाल स्थिति में है। तो ये हमारे उन्हीं नेताओं का योगदान है, उनकी देन है, उनकी सोच है कि जिनको लेकर आज इस देश का एक सुदृढ़ निर्माण हुआ। हमें ऐसे नेताओं को समय समय पर याद करना चाहिए और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है जी। महात्मा गांधी जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पूरे देश के चाचा कहलाए जाते थे, चाचा नेहरू के नाम से वो प्रख्यात थे। और जब चाचा नेहरू थे तो इसी को लेकर जो उनका जयंती है उसको बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और समस्त भारत में इसे बाल दिवस के रूप में स्कूलों में मनाया जाता है। प्रथम देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है आज, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरा देश देता है और देश क्या, पूरी दुनिया उनको एक ऐसे व्यक्तित्व की तरह जानती है कि जिसने हिंदुस्तान को उस ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दिया, जो आज हमारा देश दुनिया के सामने सीना ताने हुए खड़ा रहता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के जब पहले प्रधानमंत्री बने थे तो देश के अंदर यहाँ कुछ नहीं बनता था। उन्होंने वो देश को के अंदर वो विकास करके दिखाया जो आज पूरी दुनिया उनको याद करती है। मैं एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर के हिंदुस्तानवासी, जो उन्होंने आज इंडिया को जो तरक्की की राह दिखाई।